नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले दो व्याख्यानों में मैंने आपको मनु के संबंध में बताया। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं मनु के सप्तांग सिद्धांत और उसकी मंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं हम सप्तांग सिद्धांत से। मनुस्मृति में राज्य की प्रकृति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मनु ने जिस प्रकार जगत का स्वरूप सावय माना है, उसी प्रकार राज्य की प्रकृति को भी सावय माना है। मनु के अनुसार राज्य एक ऐसा सावयव है जिसका निर्माण सात भिन्न अवयवों के संयोग से हुआ है। ये सात अंग हैं स्वामी, आमात्य, पुर, राष्ट्र जिसमें भूमि और जनसंख्या शामिल है, पांचवा कोष, दंड और मित्र। प्राय सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथकारों ने राज्य के सप्तांग स्वरूप में विश्वास किया है। मनु के अनुसार राज्य के इन अंगों में हर दूसरे से पहला शक्तिशाली है। सबसे पहले मनु ने स्वामी का उल्लेख किया है। मनुस्मृति में राज्य का पहला अंग स्वामी है। स्वामी शब्द का अर्थ है प्रधान। मनुस्मृति में राज्य का प्रधान राजा है। मनुस्मृति में राजा के देवत्व का उल्लेख किया गया है। मनु का कहना है कि जो राजा सत्यवादी है, देखभाल कर काम करने वाला है, बुद्धिमान है, धर्म अर्थ और काम का ज्ञान रखता है, वही दंड को धारण करने का अधिकारी है। राजा को युद्ध भूमि छोड़कर नहीं भागना चाहिए। प्रजापालन और विद्वानों का सत्कार राजा का परम धर्म है। राजा प्रजा की रक्षा करता है। इसी कारण मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा के राज्य में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। राज्य में न्याय व्यवस्था करना भी राजा का प्रमुख कर्तव्य है। मनुस्मृति में कहा गया है कि वह राजा स्वर्ग का अधिकारी है जिसके राज्य में न तो चोर है, न व्यभिचारी, न गाली देने वाला डाकू, न मारपीट करने वाले लोग। राजा का यह कर्तव्य है कि वह बीमार, दुखी, बालक, वृद्ध तथा दरिद्र की हमेशा सहायता करे। राजा बिना प्रजा की रक्षा किए कर, शुल्क या भेंट लेने का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि वह बिना कर्तव्य पालन के प्रजा से शुल्क या भेंट आदि लेता है तो वह राजा नरक का भागीदार होता है। मनु ने दूसरे अंग के रूप में आमात्य को लिया है। राज्य का दूसरा अंग आमात्य है। मनु की मान्यता है कि राजा राज्य के बड़े उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कर सकता, अतः राजा को सहायकों की आवश्यकता होती है। इसलिए राजा को सहायकों के रूप में आमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। राज्य की सुदृढ़ता के लिए आमात्य अति आवश्यक हैं। राजा को राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। राजा को अनेक विषयों पर परामर्श लेना पड़ता है, अतः मनु के अनुसार उसे अनेक विद्वान और योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राज्य के तीसरे अंग के रूप में मनु ने पुर को लिया है। मनुस्मृति में राज्य का तीसरा अंग पुर है। मनु ने दुर्ग के स्थान पर पुर का प्रयोग किया है। सामान्यतः पुर या दुर्ग का तात्पर्य है सैनिक छावनी या किला। राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से की जाने वाली सैनिक कार्यवाही के केंद्र को पुर या दुर्ग कहा जाता है। मनु का मत था कि पुर या दुर्ग के निर्माण के समय स्थान को सैनिक दृष्टि से परखा जाना चाहिए। जो स्थान सैनिक दृष्टि से उचित हो उसी स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया जाना चाहिए। पुर या दुर्ग प्राचीन काल से ही राज्य की सुरक्षा विभाग का केंद्र समझा जाता था। संभवतः इसलिए मनु ने पुर या दुर्ग को महत्ता प्रदान करते हुए इसे राष्ट्र से पहले रखा है। मनु ने छह प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, सेना दुर्ग और गिरि दुर्ग। इन दुर्गों में से
किसी एक को लेकर दुर्ग बसाया जाना चाहिए। इन दुर्गों को अस्त्रों, धन धान्य, वाहन, ब्राह्मणों, शिल्पियों, यंत्रों, जल और ईंधन से सुसंपन्न रखना चाहिए। मनु का मत है कि दुर्ग से ही पशु पक्षी तथा स्वयं राजा की शत्रुओं से सुरक्षा संभव है। दुर्ग से युद्ध का संचालन सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। मनु के राज्य का अगला अंक राष्ट्र है। मनु का राष्ट्र से तात्पर्य ग्रामों के संगठन से है। मनु के अनुसार राजा को ऐसे देश में घर बनाना चाहिए जहां पानी न जमा रहे, जहां प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होता हो, जहां अधिकतर आर्यों का वास हो, जो पुष्पों एवं फलों के कारण सुंदर हो एवं जहां जीविका के साधन सरलता से प्राप्त हो सकें। राष्ट्र राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसकी आंतरिक संगठन शक्ति पर ही राज्य की आंतरिक और बाह्य शक्ति निर्भर करती है। इसलिए राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न व सामाजिक दृष्टि से संगठित होना चाहिए। राष्ट्र के बाद मनु ने कोश को लिया है। मनुस्मृति में राज्य का पांचवा अंग कोश है। राज्य के संचालन के लिए राजा को धन की आवश्यकता होती है, अतः राजकोष राज्य का आवश्यक अंग है। अतः मनु ने राजा को यह सलाह दी है कि वह अपने कोष को हमेशा भरा पूरा रखने का प्रयत्न करे। कोष के धन प्राप्ति का प्रमुख स्रोत कर है। कर का उपयोग आर्थिक विकास एवं आंतरिक बाह्य सुरक्षा, धार्मिक शैक्षणिक विकास के लिए किया जा सकता है। मनु ने कर प्राप्ति को राजा का एकाधिकार न मानकर उसकी सेवा का वेतन माना है। मनु के अनुसार राजा का मुख्य दायित्व प्रजापालन व उसकी सुरक्षा है। राजा को जनता से कर प्राप्ति का अधिकार तभी है जब वह अपने इस कर्तव्य को पूरा करता हो। मनुस्मृति के अनुसार राजा सामान्यतः कर का छठा भाग कर के रूप में लेता है। कर कोश के बाद मनु ने दंड का उल्लेख किया है। मनु ने दंड का प्रयोग बल के अर्थ में किया है। इसका तात्पर्य है सेना या सैनिक संगठन। राज्य की सुरक्षा हेतु सेना महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति में राजा को सेना का प्रधान माना गया है। सेना संबंधी समस्त दायित्व उसी पर है। मनु द्वारा सेना को राज्य का पृथक अंग मानना इस बात को दर्शाता है कि मनु राज्य में सैनिक शक्ति को अति महत्वपूर्ण मानते हैं। युद्ध के संदर्भ में मनु ने पांच प्रकार की सेना का उल्लेख किया है। रथ सेना, हस्ती सेना, अश्व सेना, नौसेना और पैदल सेना। भारवाहक को मनु ने सेना का छठा अंग माना है। राज्य के अंगों के रूप में मित्र का स्थान भी मनु ने महत्वपूर्ण माना है और इसे राज्य के सातवें अंग के रूप में स्वीकार किया है। मित्र राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है। मनु के अनुसार राज्य की संप्रभुता और उसकी शक्ति मैत्री पर निर्भर है। अतः मनु ने मित्रों को की संप्रभुता को महत्वपूर्ण माना है। मित्र के संदर्भ में मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा सोना और भूमि पाकर भी उतना समृद्धशाली नहीं हो सकता जितना अटल मित्र पाकर। भले ही मित्र कम शक्ति वाला हो, क्योंकि भविष्य में वह शक्तिशाली हो जाएगा। भले ही मित्र दुर्बल हो, वह भी महत्वपूर्ण है यदि वह गुणवान और कृतज्ञ है, उसकी प्रजा संतुष्ट हो और उसके हाथ में लिए गए कार्य को अंतक करने वाला वह दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हो। इस प्रकार मनु द्वारा उल्लेखित राज्य के सातों अवयव महत्वपूर्ण हैं और परस्पर आश्रित भी हैं। इन सातों अंगों के सहयोग से ही राज्य का अस्तित्व और विकास संभव है। तो बच्चों, ये तो था मनु का सप्तांग सिद्धांत। अब मैं बताती हूँ मनु के मंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में। मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या में मंत्री को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।
राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए राजा को सहायकों की आवश्यकता होती है, जिससे राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। राजकार्य में राजा को सहायता प्रदान करने में मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्रियों की आवश्यकता और महत्व के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि सरल कार्य भी अकेले व्यक्ति के लिए कठिन होता है, अतः राज्य जैसे महान फल देने वाला कार्य राजा अकेला कैसे कर सकता है। मनु का मत है कि मंत्री और राजा मिलकर भी संपूर्ण राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकते। शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ एवं परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं विशेषज्ञों के संगठन को मनु ने मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त मनु ने मंत्री परिषद के गठन के संबंध में भी बताया है। मनु ने मंत्रियों के संख्या के संबंध में कहा है कि राजा को आवश्यकता अनुसार मंत्रियों की संख्या निश्चित करनी चाहिए। मनु के अनुसार आवश्यकता से अधिक मंत्रियों का होना निर्णय निर्माण में बाधा उत्पन्न करेगा। यदि मंत्रियों की संख्या अत्यधिक कम होगी तो समस्या सुलझाने में कठिनाई आएगी। अतः मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या न तो अधिक हो और न ही कम। मनु के अनुसार 7 या 8 मंत्री कार्य संचालन की सुविधा की दृष्टि से उचित रहते हैं। मनु ने मंत्रियों की योग्यता के संबंध में भी वर्णन किया है। राज्य में मंत्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण मनु ने उनकी योग्यता पर विशेष बल दिया है। मंत्री उच्चकुलीन शास्त्रों के ज्ञाता, विद्वान, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण, आलस्य रहित, कर्मठ और विश्वास योग्य होने चाहिए। मनु मंत्रियों में दृढ़ संकल्प का होना भी आवश्यक मानते हैं। मनु की मान्यता है कि राजा का लक्ष्य प्रजा कल्याण है। लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करना आवश्यक होता है। योजनाओं की क्रियान्विति के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है और दृढ़ संकल्प के अभाव में निर्णय शीघ्र नहीं हो पाते। अतः मंत्रियों को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। मनु ने मंत्री के शूरवीर होने पर भी बल दिया है, क्योंकि संकट के समय शूरवीर व्यक्ति ही राष्ट्र का हित कर सकता है। मंत्री के लिए धैर्यवान होना भी आवश्यक है। उसे संकट के समय संयम से कार्य करना चाहिए। मंत्रियों के संबंध में यह भी कहा गया है कि राजा को अपने मंत्रियों की नियुक्ति से पहले साम, दाम, दंड और भेद द्वारा मंत्रियों के चरित्र की परीक्षा करनी चाहिए और उन्हीं व्यक्तियों को इस पद पर लेना चाहिए जो चारित्रिक परीक्षा में सफल हों। इन सब के अतिरिक्त मनु ने मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली का भी उल्लेख किया है। मनु ने कहा है कि मंत्रियों की योग्यता के अनुसार उनमें विभागों का विभाजन करना चाहिए। मंत्री को वही विभाग सौंपने चाहिए जिसका संचालन वह कुशलता से कर सके। मनु ने कहा है कि शूरवीर, उत्साही, कुलीन व्यक्तियों को धन धान्य के संग्रह में तथा भीरु मंत्रियों को रनिवास, भोजन गृह, शयन गृह में नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा को राष्ट्र और कोष अपने अधीन रखना चाहिए। मंत्रियों में सबसे योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मनु के अनुसार कुशल व्यवस्था हेतु यह जरूरी है कि राजा पहले स्थिति पर स्वयं विचार करे, उसके बाद आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मंत्रियों से मंत्रणा करे। इन सब के अतिरिक्त मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता पर भी बल दिया है। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता पर बल देते हुए कहा है कि राजा को पहाड़ या पर या एकांत महल या निर्जन वन में मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। मनुस्मृति के 148वें श्लोक में कहा गया है कि जिस राजा के गुप्त रहस्यों को शत्रु मिलकर अथवा पृथक रूप से नहीं जान पाते, वह राजा कोषहीन होने पर भी सारी पृथ्वी पर शासन करने में समर्थ होता है। राजा को अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते समय
जड़, मूक, अंधे, लंगड़े, अतिवृद्ध, स्त्री, मलेच्छ, रोगी या विकृत अंग वाले तथा पालतू पक्षी जैसे तोता, मैना को भी मंत्रणा स्थल से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अपने संकेतों से मंत्रणा को प्रकट कर देते हैं। जड़, मूक तथा बघिर आदि हीन भावना से ग्रंथ होने के कारण तथा पक्षी स्वभाव से अभ्यस्त होने के कारण मंत्रणा को प्रकट करते हैं। स्त्रियों से भी में भी ये आशंका और अधिक रहती है, अतः राजा को इन सबको मंत्रणा स्थल से हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मनु द्वारा जो प्रादेशिक प्रशासन की व्यवस्था की गई है, दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के संबंध में जो बताया गया है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।